स्वागत है आपका बॉलीवुड मैटिंग वार्ड में। हमारे साथ है फेमस क्रिटिक राजन जी। राजन जी ने आपने मूवी देखी थैंक गॉड और राम सेतु भी देखी है तो, और राम सेतु से उनका रिव्यू हो चुका है तो आप उनको जानते हैं कि थैंक गॉड आपको कैसी लगी राजन जी? थैंक गॉड मुझे अच्छी लगी है, एंटरटेनिंग है, बट ये मूवी भी मुझे एवरेज लगी क्योंकि बहुत स्लो पेस्ड है। 2 घंटे की मूवी है, बिल्कुल क्रिस्प है एडिटिंग, कहीं भी स्ट्रेच नहीं किया मूवी को। उस तरह से बहुत एंगेजिंग है, एंटरटेनिंग, आपको लगेगा कि अब क्या होगा। और सिद्धार्थ मल्होत्रा का बहुत ही डिफरेंट टाइप का रोल है, बहुत ही यूजुअली बहुत ही क्लासी रोल करते हैं बट इसमें बहुत ही नेक्स्ट डोर वनरेबल रोल है उनका, जिसमें जब उनकी लाइफ को वो जिंदगी और मौत के बीच में झूलते हैं तो कैसे यमराज उनकी लाइफ को ये करते हैं और वो इंटरसेक्ट करते हैं, उनमें गिल्ट फीलिंग आती है कि मैंने क्या कहाँ गलतियाँ की और कहाँ, तो जब उनकी ज़िंदगी का पूरा चिट्ठा उनके सामने आता है, कहाँ पे अच्छी बातें, कहाँ पे उनसे गलतियाँ हुई, तो वो इंट्रोस्पेक्ट करते हैं और बहुत अच्छा रोल है। और अजय देवगन भी एक बार फिर से अपनी छाप छोड़ गए, हालांकि रघुप्रीत सिंह और ज़्यादा बड़ा रोल नहीं है उनका बट वो भी ठीक है, बट ये दोनों छा गए, अच्छे हैं रोल दोनों के। रोल में अजय देवगन कैसे रहा? बहुत अच्छा है, बहुत ही अच्छा रोल है उनका और वो जो भी रोल करते हैं कन्विंसिंगली करते हैं। तो मॉडर्न डे चित्रगुप्त दिखाए गए हैं और किस तरह वो उनकी पूरी ज़िंदगी का चिट्ठा सामने लेके आते हैं। और सिद्धार्थ मल्होत्रा का बहुत डिफरेंट टाइप का रोल था तो वो देखने लायक है। वही एक सॉन्ग है जो अच्छा है, मनी के, हाँ वो सॉन्ग अच्छा लगा मुझे। और अमर मोहिले की का म्यूज़िक अच्छा है, सिनेमाटोग्राफी बिल्कुल क्रिस्प है, एडिटिंग भी ठीक है असीम बजाज की सिनेमाटोग्राफी, तो आई थिंक इट्स गुड, द मूवी इज़ वॉचेबल। सोशल मैसेज है, हाँ। और इंद्र कुमार का मैं तब से दीवाना हूँ जब उनकी दिल बेटा राजा मूवी आई थी, बेटा मूवी मैंने 500 टाइम्स देखी है, 500 टाइम्स तो मजामा की जब स्पेशल स्क्रीनिंग हुई थी तो मैंने माधुरी दीक्षित जी को ये बात बताई थी और बहुत हैरान हुई थी। और उन मैंने उनसे पूछा था कि उनकी फेवरेट है तो उनकी फेवरेट हम आपके हैं कौन है, तो वो एक 90s का एरा था जब इतनी अच्छी मूवीज़ बनती थी, लेकिन टोटल धमाल भी इंद्र कुमार जी ने बनाई है जो कुछ साल पहले आई थी, तो वो एक अच्छे डायरेक्टर हैं और जितनी भी उनकी मूवीज़ से देखने लायक है डेफिनेटली, तो वो ही नोज़ द पल्स ऑफ द ऑडियंस। तो ये मूवी में भी एंटरटेनिंग है, सोशल मैसेज है, लेकिन और अगर स्लो पेस्ट बीच में ना होती तो और अच्छी हो सकती थी। मुझे दोनों मूवीज एवरेज लगी, दोनों मूवीज वन टाइम वॉच लगी, लेकिन छुट्टियाँ चल रही हैं तो यू कैन गो एंड वॉच। दोनों ही मूवीज़ का बहुत हाइप था क्योंकि दोनों ही मूवीज़ में, एक मूवी में अक्षय कुमार इतने बड़े एक्टर हैं सुपरस्टार और दूसरी मूवी में अजय देवगन है और सिद्धार्थ मल्होत्रा है, तो दोनों में ही बहुत बड़े बड़े स्टार्स हैं, बट मुझे ये लगा कि हाँ वन टाइम वॉच है डेफिनेटली दोनों मूवीज़। ऑडियंस को ये बोलना चाहेंगे कि दिवाली की छुट्टियाँ चल रही हैं तो आप देख सकते हैं दोनों मूवीज़, और आज भी 60% ऑक्यूपेंसी थी ये मूवी के लिए, राम सेतु के लिए, थैंक गॉड के लिए कम ऑक्यूपेंसी थी, तो अभी वर्ड ऑफ माउथ पब्लिसिटी है, ये बात की खुशी मुझे कि डायरेक्टर्स न्यू कंटेंट ट्राई कर रहे हैं, बट राम सेतु का जो एडिटिंग है वो उस पर ध्यान देना चाहिए, आधा घंटा एक्स्ट्रा हो गया, थैंक गॉड की एडिटिंग बिल्कुल परफेक्ट है। हो सकता है, हाँ वही है, लेकिन अगर आपका कंटेंट स्ट्रांग है तो कितने भी क्लैशेस हों, अभी यहाँ पे दोनों मूवीज़ का अभी थैंक गॉड ठीक है सब्जेक्ट नया है, बट राम सेतु का भी सब्जेक्ट बहुत अच्छा है, बहुत नया है, बट एग्जीक्यूशन वॉज नॉट अप्रोप्रिएट, और अच्छा हो सकता था। मैं ये मूवी को भी 3 स्टार्स तक दूंगा, मैं 2.5 देता, लेकिन क्योंकि एक बहुत ही नया सब्जेक्ट है, कंटेंट अच्छा है, एंगेजिंग है, एंटरटेनिंग है, तो मैं फिर भी 3 स्टार्स दूंगा। वही है कि थोड़ी फास्ट पेस्ट होती क्योंकि 2 ही घंटे की मूवी थी, म्यूज़िक और अच्छा हो सकता था, और बाकी यही है कि और एंगेज कर सकते थे ऑडियंस को, एंगेजिंग तो है लेकिन और ज़्यादा एंगेज कर सकते थे। थैंक यू।